Hey everyone, this is video number 8 in the series of ratio and proportion. As I said in my previous video, this is going to be very important क्योंकि यहाँ से आपको direct questions examinations में पूछे जाते हैं. तो let us get started and try to understand what is direct relation, what is indirect relation and how do we deal with these kind of problems. बस उसके पहले थोड़ी सी theory पे बात करते हैं. एक आपने पढ़ के रखा होगा, पहले high school में जरूर पढ़ा होगा कि आप direct relation बोलते हैं किसको. Direct relation between variables. And if I take two variables x and y, if x is increasing, then if y is also increasing, then x and y are known to be in direct relationship. भाई x बढ़ा, x के बढ़ने से y भी बढ़ गया, या x घटा और x के घटने की वजह से y भी घट गया, तो क्या बोल सकते हैं हम? They both are in the direct relation. अच्छा, ये आपने अगर डायग्राम बनाए होंगे, से फॉर एग्जांपल आपने ऐसे कुछ सॉल्व करने की कोशिश करी होगी, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड ओवर हियर वाई विच इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. और अगर हमारा कुछ डायग्राम ऐसा बन जाए, से कुछ डायग्राम ऐसा बन जाए और हमारे से पूछा जाए कि एक्स और वाई में यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. तो देखो ना, आप दो वैल्यूज प्लग इन कर दो. आप अगर कंफ्यूज होते हो ना, एक वैल्यू देख लो, इसके रिले करस्पॉन्डेंट जो आउटपुट है, भाई ये इनपुट है तो इस स्ट्रेट लाइन का आउटपुट ये रहा. एंड देन यू टेक अनदर पॉइंट, यू टेक दिस एंड द करस्पॉन्डिंग और रिस्पेक्टिव आउटपुट इज हियर. एंड अंडरस्टैंड, व्हेन योर इनपुट इज इंक्रीजिंग, व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर. And then y is also increasing. So when x is increasing, y is increasing. When you go from here to here, when x is decreasing, y is also decreasing. I would say that what is the relation between variables? It is a direct relation. Is that okay with you? And how do we write direct relation? I would say that x over here, y is directly proportional to x. And what is the meaning of writing y as a directly proportional to x? You write a multiplying factor here, which is y is equal to kx. Now, y, what is k? What is k? K is a constant here. K is a constant. Now, understand, the value of k could be different. The value of k could be different. The value of k could be 1 or 2 or 3 or any number. Say, if I take the value of k as 2, this will become y is equal to 2x. If I take value of k is as 3, this value comes out as y is equal to 3x. Or if I take k is equal to 1/2, even in this case y comes out as x by 2. And then you took k as 1 and your value was y is equal to x. Please understand, in all these circumstances, when you will increase the value of x, y certainly is going to increase. Now, rate of change may be different. Here, rate is higher. Here, but यहाँ पे कम हो गया rate of change. But ये necessarily ये बढ़ेगा तो जरूर बढ़ेगा. So मैंने आपको क्या बोला? आप ये सीखो कि direct relationship आप लिखते कैसे और उसका मतलब क्या होता है. मतलब ये हुआ कि input बढ़ा तो output बढ़ा, इनपुट घटा तो वाई आउटपुट घटा. और अगर ऐसा हो गया तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे वाई इज इक्वल टू के एक्स. वॉट इज के? के इज अ कॉन्स्टेंट. हमारे को मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा. यहाँ पे के है 2, यहाँ पे के है 3, यहाँ पे के है हाफ, यहाँ पे के है 1. लेकिन इन चार के चारों में व्हेन एक्स इज इंक्रीजिंग, वाई नेसेसरली इज इंक्रीजिंग. आई होप यू गेटिंग दिस टॉपिक. नाउ व्हाट इज द इनडायरेक्ट रिलेशन? व्हाट इज द इनडायरेक्ट रिलेशन? ये हम सब ने केमिस्ट्री में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखा हुआ है. व्हेन एक्स इंक्रीजेस एंड इफ वाई समहाउ डिक्रीजेस, देन द वेरिएबल्स आर नोन टू बी इन द इनडायरेक्ट रिलेशन. एंड व्हेन एक्स डिक्रीजेस, वाई इंक्रीजेस, यानी इनपुट के बढ़ने से आउटपुट घट गया और इनपुट के घटने से आउटपुट बढ़ गया. अगर ऐसा हुआ तो आप बोलोगे दिस वेरिएबल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स.
And what do you bring then? You bring the multiplying factor, the constant. आपको अपने problems में k की value figure out करनी है, यही वो आपसे पूछेगा. अगर वो निकल गया तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा. So this is what is indirect relationship. अब आप ये देख लो, डायग्राम पे देख लो, एक ऐसा कुछ बना के. y is equal to kx, by the way, I don't want to get into the but then कुछ ऐसा दिखता ही है. अब आप देख लो यहाँ पे एक वैल्यू. इफ यू टेक दिस इनपुट एंड देन दिस इनपुट, इसके करिस्पॉन्डिंग आउटपुट यहाँ पे, इसके करिस्पॉन्डिंग आउट यहाँ पे, यानी आपने इनपुट को बढ़ाया तो आउटपुट क्या हो गया, घट गया ना. तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, आपका इनडायरेक्ट. नाउ आई कैन गिव यू वन वेरी गुड एग्जाम्पल. यू नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सबको पता है. कैन आई से दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड? आप टाइम को कांस्टेंट रखो, जितना स्पीड बढ़ाते जाओगे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा. ये कैन आई ऑल्सो से दैट डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम? जितना टाइम बढ़ाते जाओगे, कीपिंग द स्पीड एज कॉन्स्टेंट, वेन यू इंक्रीज टाइम ट्रेवल, टाइम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑब्वियसली इज गोइंग टू इंक्रीज. एंड वेन यू हैव टू, इन दिस केस टाइम इज कॉन्स्टेंट, यानी फिक्स्ड कर दो उसको, फिक्स्ड बोल दो. कॉन्स्टेंट बोलोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे. ट्रेवल टाइम इज फिक्स्ड, इन दिस स्पीड इज फिक्स्ड. What if I say distance is fixed between two points, घर से ऑफिस का, रेलवे स्टेशन से घर का, distance is fixed. And if distance is fixed, do not you think that speed into time is constant? ये हुआ ना. अब distance तो same है, आपने speed को बढ़ाया, same distance travel करने के लिए घर से लेके ऑफिस तक का अगर आपने स्पीड बढ़ाया, इन ऑर्डर टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस योर ट्रेवल टाइम इज गोइंग टू रिड्यूस. एंड इफ यू रिड्यूस द स्पीड देन ऑब्वियसली ट्रेवल टाइम इज गोइंग टू इंक्रीज. सो स्पीड और टाइम ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेशनल होंगे, प्रोवाइडेड डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट. डू वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज डायरेक्ट व्हाट इज इनडायरेक्ट? तो आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल लेके आना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपका काम चलेगा. चलिए लेट अस फाइंड आउट दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. इट सेज दैट वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स प्लस थ्री. सो कैन यू से दैट वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स प्लस थ्री? अब इसके बाद क्या करोगे, व्हाट इज गोइंग टू बी योर सेकंड स्टेप? योर सेकंड स्टेप इज यू ब्रिंग द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ना बाबा, एक्स प्लस थ्री. और अगर k की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा काम चल जाए. उसके लिए वो क्या करेगा, हमेशा प्रॉब्लम पे x और y का एक पेयर ऑफ वैल्यू दे के रखेगा. सो दे आर सेइंग y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 1. सो y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 1. सो नाउ इफ यू सिंप्लीफाई दिस, विल यू गेट द वैल्यू ऑफ k एज 2? सो नाउ यू नो द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट पता चलते ही व्हाट इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन, इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स ऑफ x प्लस थ्री, टू टाइम्स ऑफ x प्लस थ्री. वट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y व्हेन x इज इक्वल टू 2? अब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, भाई वट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 2? सो दिस इज 2 प्लस 3 एंड द वैल्यू कम्स आउट एज 10. प्रॉब्लम आपका हो गया सिंप्लीफाइड. आई होप यू आर गेटिंग दिस. एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये प्रॉब्लम दिख जाए ना तो इसको लगाओ आप. अच्छा अगर ये समझ में आ गया आपको, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. It says that the falling height of an object is proportional to the square of the time. तो पहले तो हम ये what am I saying? We should be writing this equation. So falling height is directly proportional to square of time. So time का square. ये सारी चीजें हमारे को लिखनी आनी चाहिए. So what is the second step? Falling height is equal to constant into square of time. ये तो आपको लिखना आना चाहिए. अब इतना देने के बाद मैंने आपको क्या बोला, वो क्या एक इनपुट और आउटपुट की का एक पेयर दे के रखेगा, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के.
Now read the problem. One object falls 64 centimeter in 2 seconds. So now you know कितना गिरा 64 सेंटीमीटर, कितनी देर में गिरा 2 सेकंड में गिरा, तो विच इज़ 2 स्क्वायर. सो 64 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ के. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 16. दैट्स इट. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ के. अच्छा, अगर हमारे को के की वैल्यू पता चल गया तो फॉलिंग हाइट वी कैन राइट एज 16 टाइम्स स्क्वायर ऑफ टाइम. इज दैट ओके? एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? द न्यू क्वेश्चन इज, एक वेरिएबल दे देगा, इनपुट दे देगा, आउटपुट दे देगा और आपसे दूसरा वाला पूछेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी, इट सेज दैट हाउ मच इज गोइंग टू बी द फॉल प्रोवाइडेड द टाइम इज, व्हाट इज द टाइम? 6 स्क्वायर. सो नाउ यू हैव गॉट 16 इनटू 36. सो यू फाइंड आउट द वैल्यू. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 360 576. दैट इज इट. So this is going to be, this is how we approach these kind of problems. They're very simple. It is just that you need a perspective. Maybe in 10th standard you could not understand the concept. Maybe 10th standard ki class mein aap absent rahe hoge. Maybe wo aapko samajh mein nahi aaya. Maybe kuch to aisa ho gaya. Ya, but aapko ye yahan pe agar samajh mein aa gaya to yahan se aap problem bana loge. Read the problem. The ratio of rate of flow of water. So I would say that rate of flow is inversely proportional to square of radius. So square of radius, that is what they are trying to say. Is that okay? And then they are talking about, so flow, I would say that constant upon radius square. This is the equation. और अब उसने बोला कि भाई दो इंस्टेंसेस चल रहे हैं यहाँ पे, एक में डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, एक में डायमीटर 4 सेंटीमीटर है. अब वो डायमीटर का नहीं है, वो रेडियस का है. अगर डायमीटर आ गया, डायमीटर इज 2 एंड 4, सो कैन यू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द रेडियस? इट इज गोइंग टू बी 1 एंड 2 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ इट. अब पहले वाले केस में क्या हो गया? F1 मान लो कॉन्स्टेंट एनी विच वे इज गोइंग टू बी द सेम, कॉन्स्टेंट एनी विच वे इज गोइंग टू बी द सेम. वेन द डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, then the flow will be different. So can I say that this is going to be something like R1 square. And so for different value of radius it will be different. Kuch aisa hi aap yahan se kya kar do, aap yahan se equation number 1 divided by equation number 2 which is F1 over F2. Now do you understand? K is gone and you will be having R2 square upon R1 square. R2 aapko pata hai wahan pe kitna aapne likha tha? 2 square. What is the value of R1 which is 1 square? So F1 over F2 comes out as 4:1. So what is the ratio? What is the ratio that we are getting in the problem? It is 4:1. So agar ek aapko ye samajh mein aa gaya, step number 1. Step number 2, you would be able to write F as K over R square and then you form two equations so that you cancel these constants. क्योंकि constant निकालने के लिए और कुछ पता ही नहीं है आपको. यहाँ से ये निकल गया, आपको F1 over F2 निकल गया, आपको problem simplified हो गया. What is the answer here? 4:1 is the answer. Is that okay? Now, और this one is really good. This one is really good. अब यहाँ पे ना understanding काम आएगी हमारी. Problem says A varies directly to C. When A is increasing, C is increasing. That's the meaning of this statement. When A is increasing, or I would say that A is directly relational to C, and B is also directly relational to C. What does that mean? When A is increasing, C is increasing. When B is increasing, C is increasing. अब अगर आपको ये understanding है यहाँ पे, तो पहला वाला हम ऑप्शन देखते हैं, ए प्लस बी. डोंट यू थिंक इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डायरेक्टली रिलेशनल टू सी? वाई? बिकॉज व्हेन ए इंक्रीजेस सी इंक्रीजेस, व्हेन बी इंक्रीजेस सी इंक्रीजेस. व्हेन ए प्लस बी विल बी इंक्रीजिंग, सी सर्टेनली इज गोइंग टू इंक्रीज. रेट ऑफ चेंज मे बी डिफरेंट बट देन नेसेसरली इट इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. Let's talk about the third option. Third option देख लो, a बढ़ा
तो सी बढ़ा, बी बढ़ा तो सी बढ़ा, जब ए इंटू बी बढ़ेगा तब भी तो पक्की बात है ना भाई सी बढ़ेगा, प्रोडक्ट भी तो बढ़ेगा। अगर प्रोडक्ट बढ़ गया, ए बढ़ गया, बी बढ़ गया, ए इंटू बी बढ़ गया, ए इंटू बी बढ़ने की वजह से सी बढ़ गया, तो दे आर ऑल्सो डायरेक्टली कोरिलेशन। और अगर ऐसा हो गया तो ये ए इंटू बी लिख दो या तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी लिख दो, दिस नेसेसरली इज गोइंग टू बी डायरेक्टली रिलेशनल, सो दिस आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, इज दैट ओके। एंड वेन ए इज इंक्रीजिंग, अगेन हाउ डू आई, वेन ए इज इंक्रीजिंग सी इज इंक्रीजिंग, वेन बी इज इंक्रीजिंग सी इज इंक्रीजिंग, सो ए बाई बी कैन बी अ कॉन्स्टेंट, नॉट नेसेसरली बट देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहां पे इन दोनों इंस्टेंसेज में जो कॉन्स्टेंट है वो सेम हो जाए। और अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू के सी, बी इज इक्वल टू के सी, ए बाई बी इज इक्वल टू के गेट्स कैंसल्ड, सी गेट्स कैंसल्ड, इट इज अ कॉन्स्टेंट, तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है, विच इज नॉट करेक्ट, बी कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज ए नेगेटिव बी, ए इज इंक्रीजिंग, बी इज इंक्रीजिंग, एनी विच वे ए माइनस बी विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग, सो दैट इज डायरेक्टली रिलेशनल टू सी, इट इज नॉट इन डायरेक्टली रिलेशनल टू सी, प्रॉब्लम यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। और अगर ये हुआ आपसे तो लेट अस मूव टू दिस प्रॉब्लम, द इंटेंसिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑन अ सरफेस। अब कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं ना कि आप पढ़ो और आपका आंसर आ गया, आपको पेन भी नहीं उठाना हुआ, ये वो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम देख के अपने अपने वर्डिंग से आपको डरा सकता है, बट प्रॉब्लम है बड़ा सिंपल सा। और ये कहना क्या चाहता है, द इंटेंसिटी ऑफ एलिमिनेशन ऑन अ सरफेस फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट varies, so intensity varies inversely मतलब यहाँ, and square of distance, तो distance का square यहाँ, so can I write intensity is equal to k over d square, कुछ ऐसा ही, नहीं पता मेरे को what is the value of k। आप ये कह रहे हैं कि the effect of moving a piece of paper three times as far, आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, थ्री टाइम्स कर दिया। और अगर ऐसा हो गया तो अंडरस्टैंड इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट, के एंड डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3d, विच इज इंटेंसिटी इज गोइंग टू कम आउट एज व्हाट, के ओवर 9d स्क्वायर। अभी जो 9 आया, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी 9 बिकॉज अगर डिस्टेंस थ्री टाइम्स हुआ है और डिस्टेंस के स्क्वायर के कुछ टर्म पे आप बात कर रहे हो, इट इज गोइंग टू बी 9, 9 इज गोइंग टू बी इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 9 इज गोइंग टू बी इन द डिनोमिनेटर, एंड इफ इट इज 9 इज गोइंग टू बी इन द डिनोमिनेटर, आप देखो कौन सा ऑप्शन आएगा, डिवाइडेड बाई 9, प्रॉब्लम खत्म। मैं तो ये इतना कुछ आपको समझाने के लिए लिख दिया, बट मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, बट यहीं पर देख के ये आंसर लगा देता, क्योंकि डी हो गया 3d, तो डिनोमिनेटर में 9 एडिशनल आ गया, तो डिनोमिनेटर में 9 आने का मतलब क्या हो गया, ये डिवाइडेड हो गया 9 से, काम खत्म हो गया मेरा। दिस वन इज माय फेवरेट प्रॉब्लम, आई वुड लाइक यू टू पॉज द वीडियो, आई वुड लाइक यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, एंड इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉबेबली यू हैव मास्टर्ड दिस टॉपिक ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। Problem says this, the speed of a railway engine is 42 km per hour when there is no compartment attached. कोई भी compartment अगर attach नहीं करा तो जो railway engine की जो speed है वो है 42 km per hour. And the reduction in the speed, it is not the speed. What is that they are saying? Reduction in the speed is directly proportional to the square root of time, square root of number of compartments, square root of number of compartments, something like this. So can I say that reduction in speed is equal to constant into number of compartment, square root of number of compartment, and when a speed comes out, problem says if the speed of the train carried by this engine is 24, 42 है 24, 42 से 24 आपने रिड्यूस किया, आपके पास में कंपार्टमेंट कितने हैं, 9 कंपार्टमेंट है, क्या यहां से आपका के निकल सकता है भाई, 42 पे नो कंपार्टमेंट, 24 स्पीड पे 9 कंपार्टमेंट्स, 42 माइनस 24 कर दो पहले आप, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज हाउ मच, दिस वैल्यू कम्स आउट एज 18, सो रिडक्शन इन द स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, कॉन्स्टेंट
previously you did not have any compartment attached to the engine. Now you have got 9. So how many compartments are there? 9. And over here we will be writing square root of 9. So 18 is equal to 3 times of k. The value of k comes out as 6. Now you know what is going to be the value of the constant. And if the value of constant is known to you, what is the equation that you can write? What is the equation that you can write? So we can write this equation as, let me change the color of the pen. So this will be reduction in the speed is equal to 6 times number of compartment. ये कुछ ऐसा problem बनेगा. Problem आपसे क्या पूछा जा रहा है? What is the maximum number of compartments that can be carried? अच्छा, अगर मैं क्या करूँ कि train रोकी दूँ, इतने compartment लगा दूँ कि train रुकी जाए, यानी जो reduction in the speed होगा वो कितना होगा? 42 होगा. भाई 42 से शुरू किया, मैंने स्पीड को घटा के जीरो कर दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिडक्शन इन द स्पीड? दिस इज गोइंग टू बी 42 एंड 6, यू नो, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट. सो दिस इज 1 एंड 7. सो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इज 7. सो व्हाट इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ कंपार्टमेंट? इट इज कमिंग आउट एज 49. अगर मैंने कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट 49 कर दिया, तब क्या हो जाएगा? तब ये तो ट्रेन बिल्कुल रुक जाएगी और मेरे को ट्रेन रोकना नहीं है, मेरे को ट्रेन रोकना नहीं है. तो मैं नंबर ऑफ कंपार्टमेंट कर क्या दूं? 48 कर दूं. भाई 49 पे तुम रुक गए, एक कम रखता हूं, 49. अब इससे ज्यादा तो मैं स्पीड में रिडक्शन कर नहीं सकता. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस प्रॉब्लम? इट इज 49. एंड दिस इज माई फेवरेट प्रॉब्लम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. तो अगर आपको यह समझ में आ गया ना, आपको सब कुछ समझ में आ गया. So this is what we had over here, people. Now in the next video, I'm going to be solving 5 L2 kind of problems, difficulty level 2 kind of problems, जो आपके लिए सारे के सारे examinations के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं. यहाँ पे हम जो अभी तक हमने सीखा है, collective जो applications हैं, वो सब आपके लिए यहाँ पे काम आने वाले हैं. So you must be able to watch those videos. और इन videos को देखने के लिए ना, हमेशा आप ये काम किया करो, concept videos तो आप देखो, but when you have to solve questions, you go in the description box, because I have put all the questions in the description box. So before you start watching the video, because you have been watching video number 2 and 3 and 4 in the sequence, that's what is my assumption, and if you do not do that, please do that so that you understand in a better way. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सारे क्वेश्चंस लगाओ, फिर उसके बाद में आप वीडियो देखो और ये देखो कि आपका स्टेप बेटर था या मेरा स्टेप बेटर था, या आप कुछ नया सीख सकते हो अपने स्टेप्स को सिंप्लीफाई करने के लिए. दैट शुड बी योर पर्पस. सो नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 5-6 प्रॉब्लम. आई एम गोना सॉल्व 5-6 प्रॉब्लम दैट कैन ब्लो योर माइंड, बट देन वो कितनी सिंपल तरीके से मैं करूंगा ये आपको देखना है. और उसके बाद में मैं कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. सो दिस इज वॉट वी हैड इन दिस वीडियो. I'm gonna see you in the next video. Probably अब तक आप सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके होंगे, अब हमारे problem solving का समय है. Okay then, see you, bye bye, and I'm gonna see you in the next.